हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। यह है फिनिक्स एकेडमी और आज हम बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज के अंदर लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि हम बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज के अंदर आपके डिमांड पे लेके आए थे कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके एग्जाम्पल्स हो या कोई और पॉइंट जो आपको याद करने को डिफ़िकल्ट जाता है उनका ट्रिक कलेक्शन। उसके बाद आपको चैप्टर हो जाता है एकदम आसान। तो वैसे ही आज हम लेके आए हैं प्लांट किंगडम। तो इसमें हम देखेंगे मेनली अल्गी की तीन टाइप और उनके एग्जाम्पल, फिर देखेंगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो याद करने को डिफ़िकल्ट है। तो चलो देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो यहाँ पे इस पहले पॉइंट में हमें क्या दिया है कि अल्गी का पहला प्रकार जो है क्लोरोफाइसी और ग्रीन अल्गी के एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, तो इनकी एक ट्रिक है। तो कल क्या हुआ था, ब्रेकअप हो चुका था किसका पता नहीं। तो उसने क्या कहा, कल वो चली गई जिंदगी के सफ़र से, कल वो जिंदगी के सफ़र से चली गई। तो कैसे चली गई, कल वो चली गई जिंदगी के सफ़र से, यू यू की अब कोई चारा नहीं। तो अब चली ही गई है तो अब कोई चारा नहीं। कल वो चली गई जिंदगी के सफ़र से, यू यू की अब कोई चारा नहीं। तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेंगे क्लोरोफाइसी के और ग्रीन अल्गी के सभी एग्जाम्पल्स कैसे। तो चलो देखते हैं। कल मतलब क्या, क्लोरोफाइसी। वो मतलब वो के अंदर क्या है, वी एंड ओ। वी मतलब वोल्वैक्स एंड ओ मतलब ओइडोगोनियम। कल वो चली गई जिंदगी के सफर से, यू यू के अब कोई चारा नहीं। कल मतलब क्लोरोफाइसी, ये ट्रिक किसकी है, क्लोरोफाइसी की। वी मतलब वोल्वैक्स, ओ मतलब ओइडोगोनियम। कल मतलब क्या, क्लैमेडोमोनास। जिंदगी के मतलब क्या, जिग्निमा। सफर से मतलब स्पायरोगायरा। यो मतलब यूलोथ्रिक्स, यहाँ पे पहला यो मतलब यूलोथ्रिक्स और दूसरा यो मतलब यूडोरिना और चारा मतलब चारा एंड नहीं मतलब नाइजेलिया। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो इसके बाद आपको क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो चलो चलते हैं अल्गी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो इस पॉइंट में हमें क्या ट्रिक मिली है फेओफाइसी के लिए कि फटाका सारे का एकदम लाल फूल जैसी दिखती। ये जो सुतली बॉम आप देख रहे हो ये है फटाका सारिका। तो फटाका सारिका एकदम लाल फूल जैसी दिखती, कैसी दिखती, लाल फूल जैसी दिखती। फटाका सारिका एकदम लाल फूल जैसी दिखती। आपको अगर ये पता चलेगा कि फटाका सारिका कैसी दिखती है, लाल फूल जैसी दिखती है, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे फेओफाइसी के एग्जाम्पल। आप बोलोगे वो कैसे, तो वो इस तरह से कि फटाका मतलब फेओफाइसी, सारिका मतलब सर्गैसम, एकदम मतलब एक्टोकार्पस, लाल मतलब लैमिनेरिया, फूल मतलब फ्यूकस एंड दिक्ती मतलब डिक्टियोटा। और ये क्या है, फेओफाइसी के एग्जाम्पल है। फटाका मतलब फेओफाइसी, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिक किस चीज़ की है, फेओफाइसी की है। सारिका मतलब सर्गैसम, एकदम मतलब एक्टोकार्पस, लाल मतलब लैमिनेरिया, फूल जैसी मतलब फ्यूकस, डिक्टी मतलब डिक्टियोटा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और लास्ट टाइप की तरफ और उसके एग्जाम्पल की ट्रिक हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे रोडोफाइसी और रेड एल्गी की ट्रिक। तो आप जो ये इंसान फोटो के अंदर देख रहे हैं वो इंसान है पोलार्ड, वेस्ट इंडीज का बैट्समैन। अगर आप क्रिकेट देखते हो या आईपीएल देखते हो तो ये आपको ये इंसान पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये इंसान अगर कोई गेंद बहुत बढ़िया से मारता है तो उसके बाद गेंद स्टेडियम के आसपास भी नहीं मिलती। तो वैसे ही क्या हुआ था, एक बार पोलार्ड हमारे गली के अंदर आया था। तो पोलार्ड कहाँ पे आया था, हमारे रोड वाले ग्राउंड पे आया था। तो उसने क्या किया, ऐसी गेंद मारी कि गेंद कहाँ पहुँच गई, पबजी वाली पोचिंग की में पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, पबजी वाली पोचिंग की। तो रोड वाले ग्राउंड पे पोलार्ड ने बैट से गेंद पोचिंगी को मारा। कहाँ मारा, पोचिंगी को। रोड वाले ग्राउंड पे पोलार्ड ने बैट से गेंद पोचिंगी को मारा। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपको रोडोफाइसी के जितने भी एग्जाम्पल है उतने भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे, तो चलो देखते हैं। रोड वाले मतलब क्या, रोडोफाइसी। क्या, रोडोफाइसी। ग्राउंड पे मतलब क्या, ग्रासिलारिया।
पोलार्ड मतलब पॉलीसिफोनिया, बैट मतलब बैट्रेकोस्पर्नम, गेंद मतलब जेलीडियम, पोचिंग की मतलब पोरफायरिया। तो इसी तरह से आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे ये सभी एग्जांपल। ये कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर लीजिए ये सभी ट्रिक्स, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी क्वेश्चन में आपका गलत होने का चांस एकदम नहीं इतना हो जाता है, ठीक है। तो रोड वाले ग्राउंड पे पोलार्ड ने बैट से गेंद पोचिंकी को मारा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आप लोग अगर साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि साउथ वाली मूवीज़ में पुलिस कैसे मारता है गुंडों को, या फिर गुंडे कैसे मारते हैं पुलिस वाले को। तो वैसे ही साउथ की मूवीज़ देखने के बाद हमारे पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसा जोश आ जाता है, उसके बाद उनको ये भी पता नहीं चलता कि सामने उनकी कोई लाइव वीडियो टेलीकास्ट कर रहा है। तो ऐसे ही एक किस्सा यहाँ पे हुआ था हमारे घर के पास। तो वहाँ पे क्या क्या था कि कोई तो पुलिस वाला रिक्शे वाले को मार रहा था, तो किसने क्या किया, लाइव रिकॉर्डिंग चालू की कि भाई क्यों ऐसा आप लोगों पे अन्याय कर रहे हो, क्यों ऐसा आप लोगों को ऐसे परेशान कर रहे हो, वर्दी का जोर दिखाकर। तो वैसे ही तो यहाँ पे मुझे एक लड़का बताने आया कि लाइव पे पुलिस वाले ने रिक्शा वाले को मारा, लाइव चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, फिर भी पुलिस वाले ने रिक्शा वाले को मारा। क्या हुआ, लाइव पे पुलिस वालों ने रिक्शा वाले को मारा। आपको अगर ये ट्रिक समझ में आएगी तो इसके बाद आपको ड्राइव फाइट के लीवर वर्ड्स के एग्जांपल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे, तो चलो देखते हैं। तो लीवर लाइव पे मतलब क्या, लीवर वर्ड। लाइव पे मतलब क्या, लीवर वर्ड। पुलिस वालों ने मतलब क्या, पोरेला। पुलिस वाले ने मतलब क्या, पोरेला। रिक्शा वाले को मतलब क्या, रिक्शिया। रिक्शा वाले को मतलब क्या, रिक्शिया। मारा मतलब मार्केंशिया। मारा मतलब मार्केंशिया। इसी तरह से आपको ब्रायोफाइट के लीवर वर्ड्स के एग्जांपल एकदम बहुत ही बढ़िया तरह से याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मॉस के एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक। तो यहाँ पे इस ट्रिक में हम देखने वाले हैं मॉस के एग्जांपल की ट्रिक, ब्रायोफाइट के मॉस के एग्जांपल की ट्रिक। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि ये जो आप कैट देख रहे हो और ऐसे वो कुकुम्बर हमारे आँखों पे लगा के सो जाना, वैसा कुछ ऐसा होता है, उसको कहते हैं स्पा। तो बहुत सी औरतों को या फिर लड़कियों को स्पा करने का बहुत सा शौक होता है, पर ये पैसे लगते हैं इसके लिए। तो आपको अगर पता होगा तो कुछ सस्ती चीज़ें या फिर डिस्काउंट वाली चीज़ें मिल जाती है, तो यहाँ पे औरतें बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगाती है। तो वैसे ही एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि यहाँ पे इस जगह पे ऐसे ऐसे कि फोकट में स्पा मिलेगा। तो वैसे ही हमारे साइड की जो मौसी थी वो भी वहाँ पे पहुँच गई। तो मैंने देखा और हमारे घर आते ही घर वाले को बताया कि मौसी फोकट वाले स्पा के लिए पहुँच गई थी। क्या हुआ था, मौसी फोकट वाले स्पा के लिए पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो कैसे हमें ये मॉस के एग्जांपल्स याद कराता है, चलो देखते हैं। तो मौसी मतलब क्या, मॉस। मतलब ये ट्रिक किस चीज की है, मॉस के एग्जांपल है। फोकट मतलब फ्यूनारिया, फोकट मतलब फ्यूनारिया। स्पा मतलब स्पैग्नम, स्पा मतलब स्पैग्नम। पहुंच गई मतलब पॉलीट्रिकम, पहुंच गई मतलब क्या, पॉलीट्रिकम। पहुंच गई मतलब क्या, पॉलीट्रिकम। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है टेरिडोफाइट के एग्जांपल। तो टेरिडोफाइट के एग्जांपल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वैसे ही मैंने उसके लिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ट्रिक लेके आया हूँ। तो वो ट्रिक करने के बाद आपको वो एग्जाम्पल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है वो है टेरिडोफाइट्स के लिए। तो टेरिडोफाइट्स के लिए ट्रिक क्या है कि सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने। तो सलमा के मम्मी पापा कहाँ गए थे, बाहर गए थे, सलमा घर पे अकेली थी। तो उसे कहा गया था कि तुम घर का ख्याल रखो, मगर वापस आने के बाद सलमा के मम्मी को पता चला कि सलमा के पापा का सारा ड्रावर के अंदर का पैसा गायब हो चुका है। तो सलमा के माँ ने सलमा से क्या कहा, सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने। और शीला कौन है, घर की काम वाली है। इसके अलावा घर में कोई भी नहीं आया था। तो
तो इसलिए उनको क्या लगा, सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने। आपको अगर ये सेंटेंस पता चल जाएगा तो आपको टेरिडोफाइट्स का हर एक एग्जांपल उसके टाइप के साथ याद हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं, तो सलमा मतलब साल्विनिया, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं वो टाइप है टेरोप्सिडा, ये है स्पिनोप्सिडा, ये है सिलोप्सिडा और ये है लाइकोप्सिडा। तो सिनोप्सिडा में कौन कौन आता है, सलमा मतलब साल्विनिया, सलमा मतलब साल्विनिया, ताउ के मतलब टेरिस, एंडर मतलब एडियंथम, ड्रावर मतलब ड्रायोप्टेरिस। तो ये किसके एग्जांपल है, टेरिडोफाइट्स के अंदर टेरोप्सिडा। तो टेरिडोफाइट्स के मेनली चार टाइप्स है, टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा के अंदर कौन कौन आता है, सलमा मतलब साल्विनिया, ताऊ के मतलब टेरिस, अंदर मतलब एडियंथम, ड्रावर मतलब ड्रायोप्टेरिस, और से मतलब क्या, स्पिनोप्सिडा, यस मतलब स्पिनोप्सिडा एंड ई मतलब इकोसिटम, यस मतलब स्पिनोप्सिडा एंड ई मतलब इकोसिटम। तो आपको एक सिक्वेंस में याद रखना है, कैसे, सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर, सलमा तेरे ड्राव के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने, सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने, पूरा मतलब सिलोप्सिडा, पूरा मतलब सिलोप्सिडा एंड पैसा मतलब सिलोटम, पैसा मतलब सिलोटम, लूट मतलब लाइकोप्सिडा एंड लिया मतलब लाइकोपोडियम, शीला मतलब सेलेजेनेला, शीला मतलब सेलेजेनेला। तो इसी तरह से आपको एक बहुत 5-6 बार ये ट्रिक याद करने है, उसके बाद एग्जांपल आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। वो ट्रिक भी ऐसे सीक्वेंस में याद करें कि सलमा तेरे ताऊ के अंदर वाले ड्रावर से पूरा पैसा लूट लिया शीला ने, ऐसे याद करने के बाद आपको टाइप्स के साथ एग्जांपल्स ही बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो शीला हमारे तरफ बहुत ही गुस्से से देख रही है, इसलिए हम जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म का स्मॉलेस्ट टाइप एंजियोस्पर्म में लगा देते हैं और एंजियोस्पर्म का लार्जेस्ट टाइप जिम्नोस्पर्म में लगा देते हैं। तो दोनों के अलग अलग पॉइंट्स है कि जिम्नोस्पर्म स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है और लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है, और एंजियोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है और स्मॉलेस्ट प्लांट्स कौन सा है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं कि जिम में स्मॉल जरीना, तो आप ये जो जरीना देख रहे हैं वो क्या है, स्मॉल है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। तो जिम में स्मॉल जरीना ने लार्ज सीक्वेंस में पुशअप मारे, तो जरीना ने क्या किया, बहुत लार्ज पुशअप मारे, बहुत ही ज़्यादा पुशअप मारे। तो जिम वाले ओनर ने क्या बताया, जिम में स्मॉल जरीना ने लार्ज सीक्वेंस में पुशअप मारे। तो हमारे ग्रुप में जो सबसे बड़ा होता है उसको ही हम सबसे स्मॉल बोलते हैं, कि हर ग्रुप में ऐसे होता है कि एक बंदा बहुत मोटा होता है उसको हम छोटे कह के बुलाते हैं, तो वैसे ही इस जिम में जरीना को छोटे कह के बुलाते हैं। तो जिम में स्मॉल जरीना ने लार्ज सीक्वेंस में पुशअप मारे, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम छोटे कह के बुलाते हैं हमारे ग्रुप में, वैसे कुछ इस तरह से जिम में भी होता है। तो जिम में स्मॉल जरीना ने लार्ज सीक्वेंस में पुशअप मारे, आपको अगर ये ट्रिक पता चलेगी तो आप बहुत इजीली बताओगे कि जिम में मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है, कैसे, तो चलो देखते हैं। तो जिम में मतलब क्या, जिम्नोस्पर्म, मतलब ये ट्रिक किस चीज़ की है, जिम्नोस्पर्म की ट्रिक है। स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट, जैमिया मतलब जैम, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कौन है, जैमिया, जैमिया ट्री स्मॉलेस्ट है जिम्नोस्पर्म के अंदर। और लार्ज सीक्वेंस में मतलब क्या, लार्जेस्ट सेक्वियोया, मतलब सेक्वियोया जो प्लांट है वो लार्जेस्ट है जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्या है, लार्जेस्ट, कौन है लार्जेस्ट, सेक्वियोया, ठीक है।
तो ये किसके टाइप में है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, स्मॉलेस्ट जामिया एंड लार्जेस्ट सिक्वोया। तो जिम में स्मॉल जरीना ने लार्ज सीक्वेंस में पुशअप मारे। स्मॉल जरीना मतलब स्मॉलेस्ट जामिया, लार्ज सीक्वेंस मतलब लार्जेस्ट सिक्वोया। तो ऐसे है एक लार्जेस्ट प्लांट और स्मॉलेस्ट प्लांट हमें दिया है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो एंजियोस्पर्म के लिए है, और एंजियोस्पर्म में कौन सा प्लांट स्मॉलेस्ट है और कौन सा प्लांट लार्जेस्ट है वो देखने के लिए। तो ट्रिक क्या है, आंगन में स्मॉल वोल्फ ने, तो स्मॉल वोल्फ हमारे आंगन में था, उसने क्या किया, लार्ज यूरोपियन कैट को हरा दिया। यूरोपियन लार्ज कैट, ये कैट का प्रकार है। तो आंगन में स्मॉल वुल्फ ने लार्ज यूरोपियन कैट को हराया। आपको अगर ये ट्रिक याद हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल। कैसे देखते हैं, तो आंगन में मतलब एंजियोस्पर्म, मतलब ये ट्रिक किस चीज की है, एंजियोस्पर्म की है। स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट वुल्फिया, स्मॉलेस्ट वोल्फिया, लार्जेस्ट यूकेलिप्टस, लार्जेस्ट यूकेलिप्टस, लार्जेस्ट यूकेलिप्टस। तो आपको अगर ये ट्रिक हो जाएगी याद, तो आपको इजीली पता चलेगा कि एंजियोस्पर्म के अंदर स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है, और एंजियोस्पर्म के साथ साथ जिम्नोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है और स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पे करते हैं हमारा लेक्चर समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे बायोलॉजी पृष्ठ ट्रिक सीरीज के साथ जुड़ने के लिए, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।